हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे साथ अमीन पटेल जी, बात करते हैं बकरों के लेके, बकरा ईद की समस्या के लेके। सरकार में है इनकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, सेक्युलर सरकार है, मगर काम जो है सेक्युलर सरकार जैसा नहीं हो रहा है। अमीन भाई, हमारा सवाल है कि क्या मुस्लिम नेता, आप जैसे नेता हैं, जो दूसरे लोग हैं, क्या उनका दबाव सरकार पर नहीं रहा? देखिए, जो हमारे चार मुस्लिम मिनिस्टर इस गवर्नमेंट के अंदर है, नवाब मलिक साहब है, असलम भाई है, सत्तार भाई है, हसन मुशरिफ साहब है, बकरीद से बहुत पहले से हमने इन लोगों से बात की थी और सरकार के सामने बात रखी थी, और उसी को लेकर के नवाब भाई ने ये आइडिया लाया था कि हमको ऑनलाइन और टेलीफोन के ऊपर जो फार्म हाउस है वहाँ से मुंबई के लिए और अतराफ के लिए कुर्बानी के लिए जानवर हम खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट ने वो SOP निकाला भी कि आप ऑनलाइन बकरे खरीद सकते हैं, फ़ोन पे खरीद सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट से खरीद सकते हैं। अब जो मसला आया हुआ है पिछले 3 दिनों से, जो बहुत बड़ा मसला है, जो लगातार हमने बड़े बड़े जो हमारे लीडरान है, शरद पवार साहब है जो महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े हमारे नेता है, बाला साहब थोराट है, अनिल देशमुख होम मिनिस्टर है, सबसे हमने मुलाकात की और अभी तक भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि जो आपने SOP बनाया, हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, आपने बोला कि ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का SOP आया कि आप ऑनलाइन बकरा खरीद लीजिए, ऑनलाइन जानवर खरीद लिए, हमने ऑनलाइन जानवर खरीद लिया है। अब ऑनलाइन जानवर लेके वो एक एक जानवर का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। अगर एक सोसाइटी में 10-12 लोगों ने खरीदा है, बाजू की सोसाइटी में लोगों ने खरीदा है, तो मुंबई के अंदर, भिवंडी के अंदर, थाना के अंदर, पूना के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, मालेगांव के अंदर ये जानवर जाना चाहिए, क्योंकि ये गाँव खेड़ा नहीं है, शहर है। तो शहर के अंदर तो कोई किसान है ही नहीं कि बकरा मिल जाएगा या जानवर मिल जाएगा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही बात कर रहे हैं कि भाई, अब 2 ही दिन बचे हैं, जो तलासरी है, कसारा है, करजत है, मुलुंड भांडुप के जो चेक नाके है, वाशी का चेक नाका है, वहाँ पे जो आप जो चाहिए। कल रात को मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई, अनिल देशमुख साहब से, और मैंने इनको कहा कि आप हमसे जो चाहे डॉक्यूमेंट ले लीजिए ना। अगर मैंने 3 बकरे मंगाया है, 2 बकरे मंगाया, 1 बकरा मंगाया, आप मुझसे राशन कार्ड ले लीजिए कि भाई अमीन भाई आपका राशन कार्ड दीजिए, हम आपके बकरे कैसे आएंगे आपके घर तक, ले लीजिए जो लेना है, जो एफिडेविट लेना है ले लीजिए, मगर जो लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी के लिए बकरा खरीदा है उसके घर तक तो अभी वो अमेजोन और जोमेटो तो नहीं लाके देगा, वो जो फार्म हाउस वाला है वही बकरा लाके देगा, वही डिलीवरी करेगा, और वो एक एक दो दो बकरा डिलीवरी कर नहीं पाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए टेम्पो है, ट्रक है, उसको इस्तेमाल करेगा। तो मंडी, हम देखिए, हम देवनार की मंडी के लिए बात नहीं कर रहे, हम कोई मंडी की बात नहीं कर रहे, हमारा ये है कि आपने SOP बनाया है, हमसे बात करके SOP बनाया है, हमारे पूरे सजेशन एक्सेप्ट नहीं हुए, हम उसको भी दरगुजर करते हैं। हम अब जो आपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो SOP बनाया है उसके ऊपर अमल करके 2-3 दिन के अंदर है वो सोसाइटीज़ के अंदर, घर के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो बकरे खरीदे उनके तक बकरे पहुँचने चाहिए। तो ये माना जाए कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में कांग्रेस का दबदबा नहीं रहा है अभी? नहीं, अब मिनिस्टर NCP के होम मिनिस्टर है, NCP के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, कांग्रेस के असलम शेख मिनिस्टर है, असलम शेख मिनिस्टर है, नवाब मलिक मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर सत्तार भाई मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर्स होने के बाद बावजूद भी एक SOP जो है जो नहीं बन रही। आपकी सरकार बनाने में आपको 2 महीना लगा कि सब पॉइंट्स की बात थी, तब तक की सरकार डिक्लेयर नहीं हो रही थी, यानी आप लोग जिद करके आपने अपनी बात मनवाई और एक सरकार बनाई, सेक्युलर सरकार जिसे कहा जाता है। मगर अभी जो है यहाँ पर जो है एक खाली ऐसा दिखाई दे रहा है अमीन भाई, जैसे अभी आपने कहा कि हमने रात को अनिल देशमुख साहब से बात की, शरद पवार साहब, तो क्या ये माना जाए कि शरद पवार जी का भी प्रभाव जो है ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पे कम पड़ गया, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में ये कहा था कि बकरे आएंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होएंगे जब आपने ऑनलाइन पर, तो ये कहा जाएगा इस? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शरद पवार साहब हम सब के, महाराष्ट्र के नहीं, ये देश के नेता है, बहुत ही आदर है उनका, हर पार्टी उनका आदर करती है। शरद पवार साहब ने भी अनिल देश, इससे पहले भी जब हमारी बात हुई थी, जो वो पिक्चर के ऊपर बात हुई थी हजरत मोइन मियां ने, जो मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड के, तो शरद पवार साहब ने इंटरवीन करके अनिल देशमुख साहब से बात करके उस पिक्चर को भी बैंड लगाने के लिए सेंटर को चिट्ठी लिखी थी। आज भी हम लगातार सब, यानी इसमें सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, समाजवादी हो, ये सब मिलकर जितने MLA मुस्लिम MLA और नॉन मुस्लिम MLA, अब जितेंद्र रावत तो मुस्लिम है ही नहीं, वर्षा गायकवाड़ तो मुस्लिम है नहीं, मगर वो लोग भी इस मुहिम में जुड़े हुए, क्योंकि वो जानते हैं मुस्लिम तबके को एक रिप्रेजेंट करते हैं जितेंद्र अवार्ड जो है, जिसने आपके नॉन मुस्लिम का नाम लिया, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो पूरा मुस्लिम, ज़्यादातर 90% मुस्लिम्स हैं उनका। नहीं, इसलिए जितेंद्र अवार्ड हो, वर्षा गायकवाड़ हो, हमने सुनील केदार जो एनुअल हरभजन जी के मिनिस्टर, सब सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिमांड है कि जो SOP गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पुलिस ने
उन चेक नाकों पर गाड़ियां रोकनी नहीं चाहिए। अगर उनको कोई एविडेंस चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए कि बकरा किधर जा रहा है, वो ले ले और जानवर को, बकरों को जो है शहर में आने के लिए परमिशन। सॉरी टू से, मगर ये सब चीज़ खाली मीटिंग हो रही है, बात हो रही है, आउटपुट नहीं निकल रहा है। अमीन जी देखिए, बकरे मर रहे हैं वहाँ पर, लोगों ने गवर्नमेंट के उसमें जो गवर्नमेंट की ऑनलाइन परचेस की बात की थी, उनके बकरे, उनके भी बकरे नहीं आने दे रहे, तो ऑनलाइन देगा कैसे? नहीं, कल एक तो ऐसा भी मसला आ गया कि दूध के लिए जो भैंस ये ला रहा था, आपने ही बताया था कि करजत के कसारा के अंदर वो भरूच से अपनी भैंस ले आ रहा था, आर्य मिल कॉलोनी में उसका तबेला है, उसको भी वापस जाना पड़ा। तो हम वही बातें सामने रख रहे, मैं हूँ अबू हाशिम आजम, अबू हाशिम आजमी है, नसीम खान है, असलम है, नवाब है, बाबा सिद्दीकी है, जिशान सिद्दीकी है, तमाम मुस्लिम मिनिस्टर्स और MLAs और नॉन MLAs भी जो है, जैसे नसीम सिद्दीकी हो गए, नसीम खान हो गए, बाबा सिद्दीकी, सब मिलकर सरकार को यही बात बता रहे हैं कि हमारा एक ही चीज़ का मांगना है कि आपकी SOP, आपने बोला के खरीदिए, अब खरीदा गया, कुर्बानी पूरे इंडिया में अलाउड है, यूपी में अलाउड है, बिहार में अलाउड है, गुजरात में अलाउड है, और तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं, आपकी सरकार क्यों नहीं दे रही है कुर्बानी? नहीं, कुर्बानी के लिए तो बैंड नहीं है, कुर्बानी अलाउड है, बकरे नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे? तो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जब हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने SOP बनाई है, उस SOP को इम्प्लीमेंट करने के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। आज फिर 2 बजे हम लोग मिल रहे हैं और MLAs और इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि आगे एक्शन क्या होना चाहिए। हम लोग जितने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वरिष्ठ नेता सबसे बात किया है कि कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और ये कम्युनिटी को, ये ऐसा एक फेस्टिवल है जो करना ज़रूरी है। और हम कोरोना, COVID-19, सोशल डिस्टेंसिंग, आज हम मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की बात नहीं कर रहे, नमाज हम हमारे घर में अदा करेंगे, बाकी जो फैसिलिटीज़ हम अपने घर में करेंगे, मगर सिर्फ एक कुर्बानी भी हम कोई मैदान में या मैदान की बात नहीं करें, हम अपने जैसे हर साल करते उसी तरह से कर देंगे। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द उस SOP को इम्प्लीमेंट करें। सर, आपकी गवर्नमेंट है, आप ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो गली न्यूज़ को आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आपकी गवर्नमेंट ना प्रेशर बनाई है ताकि जो उनके रूल्स है, जो SOP उन्होंने बनाई, वो तक फॉलो नहीं हो रहे हैं। वही तो कह रहा, मैं अकेला अमीन पटेल नहीं, मगर जो मिनिस्टर्स है जो वहाँ बैठे हुए, दो दो तीन तीन कैबिनेट मिनिस्टर है, एक स्टेट मिनिस्टर है, MLAs है, ex-MLAs है, एक्स माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं कि इमीजिएटली SOP को इम्प्लीमेंट करा जाए। उसके लिए हमने होम मिनिस्टर से भी कल रात में बात की, आज फिर हम लोग मिल रहे हैं कि इसको इंस्ट्रक्शन दे करके इमीजिएटली इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमारे अमीन पटेल जी, बात एक साफ है कि सरकार पर, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर जो है प्रभाव मुस्लिम MLA जो माइनॉरिटीज़ के MLAs हैं उनका नहीं पड़ रहा है। SOP जो इशू की गई है उस पर भी जो है अमल नहीं किया जा रहा है, बकरे नहीं लाने दिया जा रहे हैं, बकरे अटक रहे हैं, जो बहुत सारे फार्म हाउस वाले ने जो अपने पैसे लगा दिए हैं, बाहर से बकरे मंगाए, यहाँ तक कि गुजरात जो BJP की गवर्नमेंट है वहाँ से बकरे आ रहे हैं, मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सेक्युलर गवर्नमेंट है वो आने नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो SOP के हिसाब से जो एक कानून बनाया गया, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया गया, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं थोड़ी ढिलाई देना चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।